हल्दी मिला दूध है तुम्हारे लिए, गरम है, इसको पी लो। जितने दर्द तुमने मुझे दिए वो कब्र में जाके भी खत्म नहीं होंगे। फिजूल बातें मत करो, दूध पियो, चलो उठाओ। ये जो तुम मुझे जलील करने के बाद हमदर्दी के ड्रामेबाजी करते हो ना, नहीं चाहिए मुझे ऐसी घटिया मोहब्बत। गुले चिल्लाओ मत, अगर तुम मरद हो तो मैं भी औरत हूँ। मत भूलो जितना इख्तियार आवाज और इजार अल्लाह ने तुम्हें दिया उतने मुझे भी दिया है। तुम्हारी बदतमीजी पहले भी बर्दाश्त की है, तुम्हारा थप्पड़ खाकर चुप हूँ, ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में है। वरना क्या क्या वरना, जो कुछ किया वो तुमने खुद किया, और ये जो तुम बात बेबात वरना वरना करते रहे तो इसलिए कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊं, इस जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर है। थूकते हो ऐसी जिंदगी पर, ऐसी मोहब्बत पर और ऐसे रिश्ते पर। पकड़ मत, मारो मारो, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हारे अख्तियार में आने से बेहतर है कि मैं कब्र के अख्तियार में आ जाऊं। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। आपने दरजाई, इसको हाथ लगाने से पहले ये मत भूल लो कि मैं अभी जिंदा हूं। इसको गैरत दिलाओ, मर्द के आगे जुबान चलाती है। जाओ यहां से। बच्चे तुम ठीक हो? जाओ अपने कमरे में जाओ। शाबाश। खान साहब, आप एक समझदार इंसान हैं और इस मामले को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये बच्चे इसी मकसद को लेकर यहाँ आए थे कि पता चल सके मर्द और ख्वातीन में इस बीमारी का तनासुब क्या है। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन हमारा अपना भी कुछ रवायात और इकदार है। हम तो अपनी औरतों को मर्द डॉक्टर के पास निकालने नहीं भेजते, और आपने हमारी बच्ची को मर्दान खाने पे चेकअप पे लगा दी। जी, इसी सिलसिले में मैं माजरत करने आया था कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन आप प्लीज इसकी सजा बच्ची को मत दें। हम उसको कोई सजा नहीं दे रहे, वो खुद नहीं जाना चाहती, वो आगे पढ़ना नहीं चाहती, उसे साफ बना कर दिया है, बात खत्म। ऐसे कैसे हो सकता है? आप प्लीज उनको यहाँ पे बुलाएं, हम बात करेंगे उनसे, वो एक काबिल डॉक्टर है। वो क्या बात कर रहे हो तुम? हमारे घर की औरत मर्दाना हुजरे में कभी नहीं आती, तो वो थे कौन उसको बुलाने वाले? चलो यहाँ से। दरगज़ाई, बाराम, हाथी, तुम जाके चेक करो बच्चों ने पैकिंग कर लिए, वापस जाने की तैयारी है या नहीं। लेकिन बाबा, जाओ बेटा। तुम भी जाओ बच्चे। दरअसल हमारे यहाँ ख्वातीन हुजरे पर नहीं आती है,
इसलिए भाई को गुस्सा आ गया। मैं समझ सकता हूँ, मगर आप ही मेरी बात समझने की कोशिश करें। अजिस्ता एक बहुत ही जहीन और काबिल बच्ची है, और जिद में आके आप उसके मुस्तकबिल को दाव पर मत लगाएं। अभी तो उसकी डिग्री भी मुकम्मल होने वाली है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपस में मशवरा करेंगे, लेकिन पहले भी हम उसको छोड़ने जाते थे, और अब अगर वो मान गई तो हम ही उसको छोड़ने आएंगे। आप बैठिए, मैं खाना लगवाता हूँ। अरे नहीं नहीं, बस आप मेरी स्टूडेंट को बुलवाते, यही मेरे लिए इज्जत की बात है और आपका एहसान भी होगा। और आप देखिएगा आपकी बच्ची आपके इस इलाके में कितना नाम रोशन करेगी। अल्लाह इंशाल्लाह। वो तो ठीक है, लेकिन खाना तो खा के जाएंगे आप? नहीं नहीं, सफर भी लंबा है, देर हो जाएगी। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, हमारा एक रवायत और भी है, मेहमान को खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देते। बैठो जमा बोल। हाँ पिस्ता मिस्ता का